सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और आज जो है हम जम्मू से थोड़ा आगे सांबा जगह पे आके मतलब रुक गए थे। रात को जो है ना काफ़ी लेट हो गए थे और थकावट बहुत ज़्यादा थी। सोचा तो ये था कि भाई दिल्ली सीधा चलेंगे, लेकिन थक चुके थे तो सबको ही नींद आ रही थी, तो रास्ते में रुक गए थे यहाँ पे होटल में। आपको दिखाता हूँ मैं, तो इसके अंदर ही हमने दो रूम ले लिए थे रात को। पार्किंग भी आराम से मिल गई थी। अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। रेडी हो रहे हैं वो, मैं रेडी हो चुका हूँ। तो एक रूम ये है जी, अपना हालत कुछ और हो जाती है क्योंकि आए थे तब बहुत थके हुए थे तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाए। और दूसरा रूम उधर है जिसमें मैं, बंटी पाजी और हर्ष कुमार जी उसी में थे। तो काफ़ी अच्छा होटल है, यहाँ भी सब रेडी हैं जी। आते हैं तो रूम कुछ और होता है, जाते वक्त रूम की हालत कुछ और हो जाती है। रुके थे जी होटल ईशान और अब चल रहे हैं आगे। यहाँ से पहले चलेंगे लखनपुर बॉर्डर, क्योंकि ना जब एंट्री करते हैं ना तो ये कमर्शियल गाड़ी है हमारी, तो इसका टैक्स कटता है और वापसी में फिर बता के जाना पड़ता है कि अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये रूल है यहाँ का। प्राइवेट गाड़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमर्शियल गाड़ी से आओगे तो ये रूल है। जब आप आओगे तो टैक्स कटेगा और बता के जाना पड़ेगा आपको वापसी में कि हम वापस जा रहे हैं जी। तो पहुंच गए जी हम लखनपुर बॉर्डर और राजेंद्र पाजी का मन किया जी दोबारा से वड़े खा के जाएंगे। यहाँ के फेमस वड़े हैं पाजी, पेड़े नहीं, इस बार वड़े आ गए जी, ध्यान रखना। पिछली बार तुम पड़े पड़े नहीं, सॉरी, पेड़े पेड़े बोली जा रहे थी ना। बड़े बड़े बड़े, तो ये सामने ही है जी यहाँ के मशहूर वड़े। पूर बॉर्डर पहुंच गया जी। ये स्लिप थी हमारी, अब ये दिखा के और एंट्री करा देते हैं कि हम लोग जो है वापस जा रहे हैं दिल्ली के लिए। राजेंद्र पाजी की गाड़ी है तो राजेंद्र पाजी गए हैं वो बंद करवाने के लिए टैक्स, ताकि आगे टैक्स बढ़े ना। लो जी हम पहुंच गए हैं जी पंजाब के अंदर, पठानकोट चल रहा है ये और पंजाब मतलब एंटर हो चुके हैं। यहाँ से दिल्ली जो है 500 किलोमीटर है और 10 घंटे दिखा रहा है। टाइम हो गया जी 12:30। लो जी ये है मुकेरिया की मार्केट और पंजाब में पहुंच के थोड़ा रश मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि तो शहर के बीच में से निकलेंगे तो रश तो मिलेगा। ये मुकेरिया शहर है और अब हम यहाँ से चल रहे हैं पटियाला बाबा जी के दर्शन करने के लिए, दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे। हम पहुंच गए हैं जी सरंद और यहाँ से राइट होना हमने पटियाला के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना काफी लंबा जाम लगा हुआ है। तो ये पटियाला के लिए कट आ गया जी, यहाँ से सरंद से हम राइट हो रहे हैं सरंद रोड पटियाला, और बिल्कुल सामने है वो सीधा रास्ता जो है बठिंडा भी जाता है, नाभा जाता है। यहाँ से मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर है गुरुद्वारा साहब, दुख निवारण साहब, और अब सिंगल रोड स्टार्ट हो जाएगा, सिंगल रोड हाईवे। मत्था टेकते हैं और फिर चलते हैं दिल्ली। लो जी दर्शन करो बारोदी गुरुद्वारा दुख निवारण साहब, गाड़ी पार्किंग लगा के फिर अंदर चलते हैं और अंदर से भी दर्शन कराते हैं। गुरुद्वारा साहब में मत्था टेक लिया जी और लंगर भी छक लिया, अब चलते हैं घर दिल्ली और मिलते हैं आपको रास्ते में। हाँ जी तो पटियाले आए हैं तो जग्गी स्वीट से कोई मिठाई शिठाई ले जाए, अब चलते हैं अंदर देखते हैं क्या लेके चलते हैं।
हाँ जी, तो थोड़ी सी मिठाई शिठाई ले ली है घर के लिए, अब और तो मैंने कुछ खास ऐसा खरीदा नहीं, तो मीठा हमारे घर में सभी खा लेते हैं। हाँ जी, तो बाहर हाईवे पे आ गए हैं। ये देखो दिल्ली जो है यहाँ से 250 किलोमीटर रह गई है और टाइम हो गया है जी 6:36। अब रास्ते में एक आधी जगह देखते हैं, चाय वाय पीने का मन कर रहा है, शाम हो गई है, अगर लगा मौका चाय पीने का तो जरूर पियेंगे, नहीं तो सीधा दिल्ली। तो हम पहुंच गए जी अंबाला सिटी, जग्गी सिटी सेंटर। अब यहाँ पे खाना वाना खाते हैं, मतलब कुछ स्नैक्स स्नैक्स खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। हमने ना गाड़ी जा रही है और उसमें ना पीछे शीशे में ऐसे लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है, वो मुखौटा सा ऐसा रखा हुआ है, मास्क कहते हैं जो भी कह लो, कितना जबरदस्त लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि आदमी बैठा हुआ है। पानीपत टोल आ गया जी, करनाल टोल तो बहुत पहले आ गया था, तब कैमरा ऑन नहीं कर पाए, इतनी देर मतलब निकल रहे थे, और टाइम जो है 9:45 हो गए हैं जी। हाँ जी, तो मैं घर जा रहा था स्कूटी से, अपनी गाड़ी वहीं उतर गया था मैं गाड़ी से, ब्रजेंद्र पाजी अपने घर चले गए। तो रास्ते में झंडेवाला मंदिर है जो बहुत सजा रखा है, जो कल से नवरात्रे स्टार्ट है तो काफ़ी सजावट हुई हुई है। पहुंच गया अपने घर, पता नहीं बच्चे सो रहे हैं जाग रहे हैं, टाइम 11:50 रात को।